ओके एवरीवन, सो माय नेम इज अवार्डन ब्रो। आज अपन माइनक्राफ्ट के अंदर बनाने वाले बहुत ही बड़ा वाला व्हीट फार्म। ठीक है, तुम लोग आ जाओ या फिर बातें करते हैं। तो गाइस, मैन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास तुम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा वाला अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से है कि भाई मैंने ना एक नया तीसरा चैनल खोला है, ठीक है, एंड उस चैनल का लिंक मैंने तुम सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, जाकर सब्सक्राइब करो ब्रो। वो चैनल टोटल रहेगा थोड़ा टैग के बारे में, मतलब उसके अंदर ना सबसे पहला वीडियो आएगा सेटअप टूर का, ठीक है, मतलब पहले इंट्रो आएगा, देन सेटअप टूर का वीडियो आएगा, Q&A की वीडियोज आएंगे, मेरे सिल्वर प्ले बटन जो आ चुका है ऊपर लटका रखा है मैंने, इसके अनबॉक्सिंग का वीडियो आएगा। भाई बहुत सारा स्टफ आएगा, बहुत मजा आएगा उस चैनल के ऊपर, ठीक है, जाकर सब्सक्राइब करो गाइस। देखते हैं सब्सक्राइब कितने अपन गेन कर पाते हैं, ठीक है सब्सक्राइबर्स। पहला वीडियो जल्दी आने वाला है, एक दो दिन के अंदर आ जाएगा इंट्रो, देन सेटअप टूर, तैयार हो जाओ तुम सभी लोग, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके जाओ, सब्सक्राइब करो उस चैनल को, देन कंटिन्यू करना, बिकॉज यार मेरे को देखना है अपन कितने हिट कर पाते हैं, ठीक है सब्सक्राइबर्स यार, तो सपोर्ट करो यार, ठीक है, जाके सब्सक्राइब करो एंड स्टार्ट करते हैं अभी मैन वीडियो को। चलो तो गाइस, तुम लोग देख सकते हो मैं खड़ा हूं मेरे घर की बालकनी में यार, बिकॉज मैंने कहा बहुत दिन हो गए अपन ये वाला एंगल से कभी काम नहीं ले रहे ना, तो इसलिए मैं यहां पे आके खड़ा हो चुका हूं, ठीक है। एंड भाई मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, ठीक है ना। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई आप तो नेदर गए थे लास्ट वाली वीडियो में, यहां पे कैसे आ गए यार, और अगर आ गए तो क्यों आ गए भाई, तो मैं तुम्हें सब चीजें बताता हूं। अभी देखो यार, एग्जैक्टली हुआ यह था कि लास्ट वाली वीडियो में मैं गया था नेदर में, ठीक है, नेदर में मैं लड़ा था भाई विदर स्केलेटन से, मेरे को उससे चाहिए था विदर स्कल, ठीक है, ताकि मैंने कहा आगे अपन गेम को बढ़ाते हैं यार, कब तक गेम को होल्ड पर रखेंगे, इसलिए मैं नेदर गया। बट वहां पर जाने के बाद मेरा ब्रो मेरा खाना खत्म हो गया लिटरली यार, जो मेरा खाना था वो गलती से मैंने फेंक दिया यार, इसलिए तुम देख सकते हो मेरे पास में 10 केवलों के पोटैटो बचे थे, ये 34 कैरेट तो मैंने अभी जाके लिए हैं, ठीक है नीचे से। बट ब्रो मेरा पूरा खाना खत्म होने के बाद मैं भाग के कैसे तैसे करके वापस आ गया वहां पे। एंड यार वैसे भी ना वहां पे तुम्हें पता होगा कि विदर स्केलेटन स्पॉन ही नहीं हो रहे थे, मैंने सबको मार दिया था एक बार, उसके बाद आए नहीं थे फट्टू कहीं के, तो मैंने कहा काम करते हैं अपन घर पे चलते हैं यार, रहा चलता आदमी कहां जाएगा, और तो मैं घर पे आ गया हूं। एंड आने के बाद में ये बारिश मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वैसे, तो ठीक है होनी तो नहीं चाहिए थी। एंड एक मिनट भाई, चौप द माफिया इधर पीछा भाई साहब, मैंने इसको बाहर बिठा के पता नहीं कब से छोड़ रखा है, अंदर आ जा ना भाई, अबे किधर गया, इधर अंदर, अरे चौपड़े इधर से आना, इधर से यार, ये इतनी बड़ा गेट नहीं दिख रहा तेरे को, किधर भाग गया अब यार, ये मेरे को परेशान कर रहा है, ठीक है बहुत देर से, अंदर आना, आजा अंदर, अरे मर जाएगा बाहर भाई, काला काला हो गया यार पूरा एक तो, आजा, वेरी गुड, आता रहे, पीछा आता रहे, गुड, भाई कौन सा खाना खा रहा है ये बंदा, मेरे को बताएगा, इतना कम बुद्धि कितनी है तेरे में यार, एक काम का ऐसे ही ले जाना पड़ेगा, रुको मेरे को उसको ऐसे मारता रहता हूँ उसको, घुसाता रहता हूँ, चल घुस अंदर घुस, वेरी गुड, अब जाके सही हो चुका है भाई ये, ठीक है यार, तो एक काम करते हैं अपन इसको यहाँ पे बैठा रहने देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये इसका घर है, इसे बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मस्त घर है इसका, ठीक है ना, मस्त सनरूफ दिख रही है, बहुत ही सही यार। तो गाइस अभी यहाँ पे बैठा हुआ अपन ना एक काम करते जाके सो जाते हैं, बिकॉज अपने को ना गाइस कल सुबह उठ के बहुत मस्त काम करना है, एक तो बारिश में मेरे से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना यार, मेरे को सोने की इच्छा हो रही है, मैं सो रहा हूँ, ठीक है। एंड ब्रो एक मिनट रुको यार, सोने से पहले मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है यार, मैंने जबरदस्ती करना आर्मर पहन रखा है इतना बड़ा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी अपन घर में ही है, तो मैं यहाँ से आर्मर स्टैंड लेता हूँ एंड पूरा के पूरा डायमंड आर्मर को ना खोल देता हूँ, बिकॉज अपने को जरूरत है नहीं इसकी, अभी इनको भी निकालते हैं अपन यहाँ से, निकलो पे सब निकलो भाई, कितने भारी भारी चीज है एक तो। ओके ब्रो, तो फाइनली तुम देख सकते हो मैंने अपने डायमंड आर्मर को उतार दिया, ठीक है, यहाँ पर रख दिया है, बहुत ही सही लग रहा है। एंड यहाँ पर भी ना मेरे लिए दो दो चीजें हैं, मैं इनको इसके ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है गाइस, मेरे को नहीं पता था कि लेदर का भी आर्मर अपन बना सकते हैं यार, बट कोई नहीं, अभी यहाँ पे लेदर का आर्मर रखा रहेगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया यार, क्या मस्त लग रहा है ना, मस्त, मतलब ये अपना आर्मर रूम हो चुका है फुल, वो आयरन मैन का नहीं होता है, वो जाता है बटन दबाता है तो खैर कुछ भी करके भाई उसका आर्मर उसके पास आ जाता है, बट अपने लिए इतना ही बहुत है भाई, ये कम नहीं है, ठीक है यार, अब जो भी है अभी मैं जाके सो रहा हूँ, ठीक है। एंड भाई कल सुबह उठने का है मेरा, बट ये सो क्यों नहीं पा रहा हूँ यार, रात होने का वेट करना पड़ेगा क्या यार। एंड ओके ब्रो, गुड मॉर्निंग यार, अभी सुबह हो चुके हैं, तुम देख रहे हो भाई, बहुत ही सही, बारिश भी रुक चुकी है, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। देखो यार ब्रो, आज का अपना मेन मुद्दा है वो है भाई, अपने को बहुत ही बड़ा वाला व्हीट फार्म बनाना, तुम सोच रहे हो भाई जरूरत क्या है उसकी, तो जरूरत ब्रो कुछ इस तरह से, बिकॉज तुम देख रहे हो अपने यहाँ पे जो भी फार्मर है ना यार, मेरे को नहीं पता क्यों, बट इसको मेरे को हर थोड़े दिनों में ना वो देना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, व्हीट के सीड्स देने पड़ते हैं यार, उसके बाद ये बंदा ना उगाना चालू करता है, बाकी तुम देख रहे हो पूरे का पूरा से फार्म खाली रख रखा होगा, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखो यार पूरा फार्म खाली कर रखा है, बेवकूफ खाना नहीं देता अपने को, ऑल्दो कैरेट का फार्म सही काम कर रहा है, पोटेटो का भी अच्छा काम कर रहा है, बट वो व्हीट वाला काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना एक काम करते हैं अपन, कि अपन व्हीट का फार्म बहुत बड़ा बना लेते हैं, है ना, कि झंझट ही मिटेगा गाइस, डेली के डेली खाने की दिक्कत नहीं है, एक बार महीने में थोड़ा करेंगे, फुल होलसेल की दुकान बन जाएगी ना ब्रो, महीने का राशन एक बार मिल जाया करेंगे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपन बना लेते हैं एक बड़ा वाला व्हीट फार्म। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जगह इतनी नहीं है, तो मैंने डिसाइड करा है ब्रो कि अब जो फार्म बनाऊंगा वो ना मैं क्रीपर फार्म की तरह बनाया करूंगा, बोले तो हवा में बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज हवा में ना अपने को जगह की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा आसमान अपना है भाई, जितना आसमान तुम देख रहे हो ना, खुला खुला आसमान सारा अपना है माइनक्राफ्ट में, ठीक है। एंड अभी ना मेरे को बस थोड़ा सा डर्ट लाना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ से अप्रॉक्स 25 या 20
ब्लॉक ऊपर बनाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ही बड़ा बनाएंगे गाइज, मजा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना। एंड अभी मैं यहाँ से निकालता हूँ गाइज, ये रही डर्ट, ठीक है ना, अपने पास डर्ट की कोई कमी नहीं है। अरे तो भाई 64 कितने स्टैक पड़े मेरे पास यार, क्या बात है। ओके ब्रो, तो फाइनली तुम देख रहे हो मैंने इतनी डर्ट ले ली है। एंड अभी मेरे को थोड़ी सी शावल भी चाहिए होंगी, बिकॉज हो सकता है शावल अपने को जरूरत पड़ जाए, तो एक काम करता हूँ शावल पे मैं रख लेता हूँ 2 आयरन की एंड 2 एक पिकैक्स ही बहुत है गाइस फॉर्च्यून वाली, ठीक है ना, फॉर्च्यून को खराब कर रहे हैं, अपने काम करते हैं नॉर्मल पिकैक्स रख लेते हैं, बढ़िया है। या मैं काम करता हूँ गाइस, इस फॉर्च्यून पिकैक्स के अंदर ना मैंडिंग लगा देता हूँ तो ठीक रहेगा, ठीक है। मैंडिंग मेरे पास यहीं तो कहीं तो थी, रुको, ये रही मैंडिंग। ओके मैं मैंडिंग लगा रहा हूँ उस पिकैक्स के ऊपर, ताकि भाई अपनी पिकैक्स ना कभी भी नहीं टूटेगी। अभी तुम देखना ये लग गई मैंडिंग, बहुत ही बढ़िया गाइस, अब ये पिकैक्स कभी भी टूट सकती है अपने से, ठीक है ना। जितना काम मैं लूंगा ना इसको मैं उतनी सही रहेगी, इसकी हेल्थ बढ़ती जाएगी लगातार, तो बहुत सही हो चुका है ये काम अभी। एंड थोड़ा सा मैं कोबलस्टोन भी ले लेता हूँ भाई, गया हूँ तो 64 ये रहा एंड बाकी का 21 ये रहा। ओके तो चलो गाइस, मैंने काफी चीजें ले ली हैं बेसिक के, एक बार वापस अपने को आना पड़ेगा, ठीक है ना, बीजेपी में चीजें लेने हैं, लाइक रेडस्टोन लेने के लिए, डिस्पेंसर लेने के लिए, उनको बाद में आके लेके जाऊंगा, बट पहले मैं बेस बनाता हूँ, ठीक है, वो सही रहेगा। ओके ब्रो, तो फाइनली देख लो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, अभी ना मेरे को यहाँ 15 ब्लॉक भाई मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, ये सही रहेगा, 15 बहुत है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं अपने को, ठीक है। एंड तुम देख रहे हो यहाँ से मेरे को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाना है इनको, चलो। ओके ब्रो, तो इतना ठीक रहेगा, यहाँ तक मैं चल के आ जाया करूंगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फार्म को बनाने के लिए। चलो मेरे को ना फार्म बनाना है, अप्रोक्सली कितना चौड़ा बनाऊ मैं उसको, तो मैं सोच रहा हूँ इसको 19 ब्लॉक चौड़ा बनाऊंगा, ठीक है, मैं एक एंड एक यहाँ से निकालता हूँ मैं इसको, 5 यहाँ पे है, 19-20 ब्लॉक बना देता हूँ यदि मैं भाई, अपने को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलते रहो अभी, तो बहुत ज़्यादा डर्ट लगाना है मेरे को, बहुत बढ़िया। तो गाइस तुम देख रहे हो ये वाला जो फ्लोर है ना पूरा, ये एक फ्लोर है, ऐसे मेरे को 5 फ्लोर बनाना है बढ़ाते बढ़ाते सीढ़ी टाइप का, ठीक है। टेरेस फार्मिंग अगर तुमने सुनी है तो वो वाली अपन फार्मिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है, वीड्स की यार, ताकि पानी एक बार मैं ऊपर से निकालूंगा, ताकि वो पूरा पानी ना गाइस टेरेस फार्मिंग के थ्रू नीचे आ जाएगा एंड वो एक तरह से सेमी ऑटोमेटिक फार्म बन जाएगा अपना। तो चलो गाइस, एक बार मैं पूरा का पूरा बनाने के बाद मैं तुमसे मिलता हूँ, ठीक है, पूरा एक फ्लोर कंप्लीट कर लेता हूँ पहले मैं। ओके गाइस, फाइनली तुम देख सकते हो मैंने ना पूरा का पूरा एक फ्लोर बना दिया है, अभी अपने को अगला फ्लोर ऊपर की तरफ से बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक टेरेस में ऊपर लेके जा रहा हूं अभी इसको, बहुत सही। एंड गाइस इस लेवल पर मेरे को अभी 7 ब्लॉक एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको, ठीक है, एक ब्लॉक तो खुद हो गया ये, अभी मेरे को 7 और करना है 2 एंड देन एक बार मैं कर लेता हूँ 3। ओके गाइस तुम देख सकते हो अभी शाम भी हो रखी है, ठीक है, अपने को बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा अभी ये। वैसे भी ना तुम देख रहे हो अपने को ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं इसमें, बिकॉज ना इसमें भाई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है अपने को, बिकॉज अपन ऑलरेडी ऑटोमेटिक फार्म बना चुके हैं, अपने को ना बस थोड़ा काम करते रहना है इसमें, और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, करते जाओ बस ये बोरिंग वाला काम है लगातार। चलो यार इसको एक काम करते हैं गाइस, ठीक है ना, मैं तुमसे पूरा करता हूँ एक बार यार 4-5 फ्लोर, ठीक है, पूरा का पूरा टेरेस कंप्लीट कर लेता हूँ 5 एंड देन मैं तुमसे मिलता हूँ, बिकॉज भाई अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। चलो ओके गाइस, तुम देख सकते हो फाइनली भाई मैंने पूरे के पूरे 5 मैंने 6 लेवल बना दिया, ठीक है, मैंने कहा बना ही रहे हैं बड़ा तो ची खोल के बनाते हैं, क्या दिक्कत है यार। तो 6 लेवल मैंने बनाए टोटली यार, ये एंड अभी रात हो चुकी है, ठीक है, तो मेरे को ना यहां से बाहर निकलना है, बट अभी नीचे जाने के लिए भाई मैं सोच रहा हूं ना यार मैं सीधे कूद जाऊं तो कैसे रहेगा गाइस, यहां से नीचे तुम देख रहे हो नीचे पानी है ऑल्दो, बट ज्यादा ना क्रीपर्स वगैरह भी हैं, रिस्क लेते हैं, ठीक है। मैं कूद चुका प्रोफाइल यहां से एंड सीधे पानी के अंदर मैं गया हूं एंड भाई साहब मारने लग गए बंदे, तुम देख रहे हो लिटरली यार, थोड़ी भी दया नहीं बरसते बिल्कुल भी, भागो 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 यार। अभी मेरे पास मेरा कोई आर्मर वगैरह नहीं तो भाई इनको बता देता मैं, ठीक है अभी, बट कोई बात नहीं, अभी निकलते हैं अपन यहाँ से। एंड भाई साहब मैं आ चुका हूँ मेरे घर पर, ठीक है, तुम देख रहे हो अभी तक किसी ने भी बिल्कुल नहीं देखा है, मैं यहाँ से गेट खोलता हूँ। ओके बहुत बढ़िया, एंड मेरे को जाना है भाई अंदर की तरफ। ओके एंड मैं क्या लगा रहा हूँ गेट, ठीक है, तो प्रोफाइल अपन आ चुके हैं अपने सेफ हाउस पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अपन आ चुके हैं। एंड भाई जितने भी ज़ॉम्बीज मॉब्स थे बाहर रह चुके हैं, ठीक है, अभी अपने क्या करना है ना भाई, अभी अपने को यहाँ पे बनाने पड़ेंगे डिस्पेंसर, थोड़े से रिपीटर एंड भाई थोड़ा सा रेडस्टोन को चाहिए होगा, ठीक है, इतना ही करना है अभी तो अपने को। एंड गाइस देख लो ये रहे 22 रिपीटर, ये रहा अपने पास रेडस्टोन का डस्ट, थोड़ा सा और लेता हूं मैं, इतना बहुत रहेगा शायद ये। अभी मेरे पास में ना थोड़े से और मेरे को चाहिए कोबलस्टोन एंड ये रहा भाई 64 का एक और स्टैक, इतना ठीक है यार, अभी मेरे को बनाना है वो डिस्पेंसर, ठीक है। तो चलो गाइस मैं ऊपर आ चुका हूं, अभी मैं जा रहा हूं सोने के लिए, ठीक है, कल सुबह उठकर अपन अपने बाकी काम करते हैं। तो चलो गाइस गुड मॉर्निंग यार, अभी अपन उठ चुका है, ठीक है, सुबह सुबह। एंड इसकी तू यहाँ पे कैसे कर रहा है, एक मिनट रुक रुक रुक, ये मार भी नहीं रखता भाई यार, मैं इसके में फंस गया हूँ, ठीक है अभी, बट कोई नहीं, ये मरेगा मेरे हाथों, रुक मार मार, ये ले बड़ा है मेरे को मारने वाला। एंड गाइस तुम देख रहे हो वो रहा अपना टावर यार, मेरे को ना उसके ऊपर जाना है, मेरे को चारों तरफ उसके लगाने पड़ेंगे, अभी ना थोड़ा सा स्टोन लगाना पड़ेगा पीछे की तरफ डिस्पेंसर, एंड भाई मेरे को रेड स्टोन से ना पूरा एक बार वायरिंग कर देनी है, उसके बाद अपन बाकी काम करते हैं। एक बार वापस ऊपर चढ़ने के लिए यार वापस से डर्ट लगाना पड़ेगा, बट कोई नहीं चलते हैं अभी। ओके प्रोफाइल मैं ऊपर आ चुका हूं, देख रहे हो तो कुछ ऐसा लग रहा है अभी यहां से, ये देखो एक स्टेप 2 स्टेप 3
चार एंड पांच बोले तो गाइस इस पे छह छह लेवल हो चुके हैं, ठीक है। पूरे में वीट बिछाएंगे अपन, वीट उगेगा, मस्त वाला वीट मिलेगा अपने को। अभी ना सबसे पहले मेरे को जो काम करना है वो करना है मेरे को, हर चार के बाद में ना ब्रो मेरे को वहाँ पे स्टोन लगाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे की तरफ मैं तुम्हें बताता हूँ एक्जेक्टली करना क्या है अपने को। एक दो तीन चार के बाद बोले तो यहाँ पर, ठीक है। रुको गाइस मेरे को ना एक बार यहाँ से पानी गिराना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ मेरे को करना क्या है। ओके, मैंने पानी गिरा दिया फाइनली यहाँ से, ठीक है। अभी मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाके गाइस मेरे को जस्ट यहाँ पे कोबल स्टोन लगा देना है। एक मिनट रुको, मैं नीचे आ चुका हूँ। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एंड मैंने लगा दिया पे कोबल स्टोन, बहुत सही। अभी गाइस वापस से पानी भर लेना अपने को, आ जाए भाई पानी। एंड अभी अपना काम हो चुका है, ठीक है। अभी तुम्हें बताता हूँ मेरे को करना क्या एक्जैक्टली। अभी अभी ना मेरे को जो तुम लेवल देख रहे हो यहाँ पे नीचे पर लगाया ना कोबल स्टोन लगाते चलना है, बस नीचे की तरफ। कोई ज्यादा काम नहीं है मेरा यहाँ पे अभी, बिकॉज यहाँ पे अपन डालेंगे पानी, ठीक है भाई। तो बीच में बहा करेगा अपना पानी, बहुत सही। अभी करते जाओ ऐसा ऐसा, चलो। ओके ब्रो, तो तुम देख सकते हो फाइनली मैंने पूरे का पूरा छेद कर दिया, ठीक है। इस तरह का नाला टाइप में निकाल दिया मैंने भाई, हर चार चार ब्लॉक के बाद। बिकॉज ना एक ब्लॉक का जो नाला है भाई वो चार ब्लॉक को गीला कर देता है, बोले तो चार ब्लॉक पे अपन उसके बाद में फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये वाला ये दोनों तरफों कर देगा, ये वाला इन दोनों को कर देगा गाइस वापस से, ये वाला उन दोनों को कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से भाई अपन पूरे एरिया के अंदर ना वीट उगा सकते हैं। रुको यार, मेरे से कुछ गलती भी हो रखी है यहाँ पे, तो ना मेरे को यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार अब ठीक है यार, ओके अब सही है, ठीक है सब कुछ। ओके एंड फाइनली अपना ये बन चुका है, यहाँ से इसको हटाओ। एंड गाइस अभी मेरे को लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे लगाने पड़ेंगे सारे के सारे डिस्पेंसर, ठीक है। मैं निकालता हूँ अभी, तो ये रहे ब्रो मेरे डिस्पेंसर, ठीक है ना। यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं कोने कोने में इनको, ओके, ताकि भाई पूरी जगह ना पानी पानी कर देंगे, बहुत सही। एंड लास्ट में एक दो तीन, भाई मैंने उल्टा लगा दिया यार, रुको रुको रुको, मेरे को तोड़ने तो इनको वापस, मैंने उल्टा लगा दिया इनको यार। ओके ब्रो, अब की बार मैंने सही लगाया, ठीक है। तो फाइनली मैंने सारे के सारे डिस्पेंसर्स यहाँ पे लगा दिए, क्या बात है। इनके पीछे मेरे को लगाना है भी रिपीटर, ठीक है। ओके भाई, ये भी फाइनली अपने काम कर दिया। एंड मेरे को ना ये भाई एक लाइन पूरी और कोबलस्टोन को रखनी पड़ेगी, बिकॉज उसके बिना ना गाइस अपना ये पूरा नहीं होगा कनेक्शन, ठीक है। मेरे को यहाँ पे रेडस्टोन लगाना है ना इसलिए। एंड गाइस अभी अपना ये सब कुछ रेडी हो चुका है, अभी मेरे को कोने कोने में ना एक बार और यहाँ से पूरा ढंग से ले लेते ना इसको, ठीक है। अरे ये क्यों लग गया बोले तो, मेरे को यहाँ पे पूरे पूरे कोने में ना भाई साहब ये यहाँ पे साइड में चारों तरफ भाई मैं कोबलस्टोन की कर दूंगा बाउंड्री, ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा अपना फार्म दिखने में। चलो गाइस अभी मैंने स्टोन ब्रिक्स लेकर आता हूँ, थोड़ी सी बाल्टी लेकर आता हूँ, बिकॉज बिल्कुल हर एक इसके अंदर ना इस तरह से बाल्टी रखनी पड़ेगी इसी के सबके अंदर यार। मतलब लोग कितनी चाहिए होंगी, 4x4 बोले तो 16 बाल्टी मेरे को चाहिए होंगी अभी। तो एक काम करता हूँ, मैं सारे आइटम लेकर के आता हूँ, बाल्टियाँ रखता हूँ, ठीक है। देन मैं तुमसे मिलता हूँ, यहाँ से मरूंगा नहीं ना। मर गया भाई साहब, मर गया मर गया मर गया यार, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा यार। एंड गाइस फाइनली तुम लोग देखते हो मैंने चारों तरफ ना बाउंड्री बना दी है गाइस। एंड ये जो पानी है ना, ये जगह बनाई थी इसके अंदर पानी डाल के मैंने उसको ढक भी दिया है, ताकि जो भी अपना वीट आएगा ना पानी वाले एरिया में नहीं चला जाए, इसलिए मैंने ढक दिया है, ठीक है, बहुत ही सही। अभी अपने को ना बस वायरिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरे को सारे के सारे को कनेक्ट करना है, चलो। एंड गाइस तुम देख रहे हो मैंने वायरिंग इस साइड से लेकर के जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि ना मेरे को फालतू में एक ब्लॉक खराब नहीं करना है। ओके यार, मैंने सोचा था उससे ज्यादा वायरिंग लग गई, यहाँ तो बहुत सही। अभी चलो यार एक काम अपने कर दिया, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ हुपर्स पड़े हुए हैं, तुम देख रहे हो ये रहे हुपर्स यार, इन हुपर्स को ना मेरे को लगाना पड़ेगा। मतलब कि जो पानी आएगा ना वो यहाँ से 8 ब्लॉक नीचे आएगा, बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ तक आएगा पानी, ठीक है यार। एंड इसके ना जस्ट आगे मेरे को हुपर लगा देना है इस तरफ, ओके। ये तुम देख रहे हो उसको पूरे को हटा के, मेरे शावल किधर गया ये रहा, ओके। इस पूरे को हटा के गाइस मेरे को यहाँ पे हुपर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उनके नीचे मेरे को चेस्ट लगाना पड़ेगा, चलो ये काम कर लेता हूँ मैं अभी, ओके। एंड एक चेस्ट ना मैं इससे कनेक्ट करने वाला हूँ, बहुत ही सही गाइस, देख लो यहाँ पे चेस्ट लगा दिया है। इनके जस्ट मेरे को ऊपर ना दो हुपर लगाने पड़ेंगे, बहुत सही। एंड ये रहे गाइस, यहाँ पे 4 हुपर लग चुके हैं। जो भी यहाँ से आएगा ना भाई वीट, वो सारे के सारे नीचे चेस्ट पे अपने आप चला जाएगा। ऐसे सेम करना मेरे को कुछ यहाँ पे करना है, चलो। मतलब यहाँ पे मेरे को ना एक चेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। एंड इसके साथ में अटैच एक और चेस्ट कर लिया है, बहुत सही। एंड सेम टू सेम मेरे को एक चेस्ट यहाँ पे ऐसे लगाना है, ओके। एंड भाई इसके ऊपर ना मेरे को हुपर रख देना है वापस, जैसे पहले अपन रखे हुए थे ना, सेम ऐसे ही 1 2 ओके ब्रो। तो कुछ ऐसे ही ना मैं चारों में बनाता हूँ, देन मैं तुमसे मिलता हूँ, चलो। ओके गाइस, सो यार फाइनली यार मैं तुम्हें बता दूं कि ये दिन ना अगला दिन है, ठीक है ना। कल मैंने चालू करा था वीट फार्म बनाना, एंड ब्रो सच्ची बता रहा हूँ मेरे को ना सीड्स लगाते लगाते एक दिन पूरा हो गया, तो मैंने कहा आधा काम कल करेंगे यार। फाइनली ना मैंने कल रात में लगा दिए थे सारे सीड्स, एंड आज भाई आराम से मैंने बोन मिल डाल के इनको बड़ा कर दिया वीट को, बहुत ही मस्त एपिक दिख रहा है अपना वीट फार्म। मैं तुम्हें अभी जाके दिखाता हूँ, ठीक है, चलो अभी चलते हैं अपन वीट फार्म के ऊपर। गाइस तुम देख रहे हो मैंने ना यार वो जो लीवर लगाया ना, ताकि जो पानी रिलीज करेंगे जब डिस्पेंसर, वो ऊपर लगाया ताकि अपने को फुल नजारा देखने को मिलेगा अभी, है ना। ये देखो ये जा रही स्टेयर से भी चढ़ना पड़ेगा ऐसे इतना ऊपर, एंड ब्रो दूर से काफी मस्त लग रहा है ये, एंड पास जाने के बाद तो अल्टीमेट है। अभी चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, चलो। चढ़ भाई स्टीव, चढ़ता रहे, नीचे मत गिर जाइए बस, ठीक है ना, नहीं तो अपना दोनों मरेंगे भाई, आराम से आराम से आराम से यार। ओके ब्रो, तो फाइनली तुम देख
सकते हो कुछ इस तरह से लग रहा है ठीक है ना अपना फार्म, मैं तुमको ढंग से दिखाता हूँ, पर ऊपर चढ़ जाए उसके बाद तो गाइस एपिक लुक आएगा। हाँ चढ़ते जाओ, बस यहाँ से गिरना नहीं है नीचे, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है गाइस, तुम देख सकते हो फाइनली अपना वीट फार्म बनकर तैयार हो चुका है। तुम देख रहे हो हर जगह वीट उगा रखा है मैंने, बहुत ही ज्यादा एपिक लग रहा है। एंड यहाँ से मेरे को लीवर खींचना है, सारा पानी रिलीज होगा, सारे के सारे वीट्स गाइस इस जाएंगे ऊपर में, एंड ऊपर के नीचे है चेस्ट, सारे वीट्स में कलेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही सही वीट फार्म बना दिया है मैंने ना। अब मैं इन वीट्स का ना गाइस ट्रेड करा करूंगा। मैंने देखा था कोई तो विलेजर था तो वीट के बदले में कुछ देता था, फार्मर है, फार्मर ये ठीक है वो बंदा जो वीट के बदले में अपने एमराल्ड्स देता है गाइस। अब ये सही काम हो जाएगा, तुम लोग तैयार हो जाओ ठीक है ना इस मोमेंट के लिए। जैसे मैं इस लीवर को खींचूंगा पानी रिलीज होगा, मजेदार सीन आएगा देखो तुम ठीक है। फाइनली मैं लीवर खींच दिया गाइस, देख रहे हो पानी आना स्टार्ट हो चुका है वहां से, बहुत ही सही यार। देख रहे हो देखो सारे वीट टूटते जा रहे हैं, सारे वीट आ रहे हैं, आ जाओ, सारे के सारे वीट जाएंगे गाइस ऊपर में, ऊपर से देन चेस्ट में, एंड गाइस मजे आ जाने वाले हैं ठीक है। इसको बंद कर देता हूं मैं वापस पानी को ठीक है। तो फाइनली मैंने पानी को वापस से बंद कर दिया, तुम देख रहे हो सारा पानी बंद हो चुका है। अभी ना मेरे को नीचे की तरफ जाके देखता हूँ गाइस मैं कितना वीट्स आया ठीक है हर एक चेस्ट में। मैं सोच रहा हूँ एक चेस्ट आधा तो भर जाना चाहिए, तो पहले है ना मैं इसको देख लेता हूँ। एंड गाइस अभी देख रहे हो तुम इसके अंदर वीट आना स्टार्ट हो चुका है यार, इसके अंदर वीट आना स्टार्ट हो चुका है ठीक है। तुम देख रहे हो हर एक जगह वीट आना स्टार्ट हो चुका है, शायद 32 तो इस ऊपर में भाई चेस्ट में कितना आ रहा है, धीरे धीरे चेस्ट में भी आएंगे ठीक है। सारे के सारे वीट बढ़ते जा रहे हैं भाई, बहुत वीट अपने पास हो जाएंगे ठीक है। अब इसकी दिक्कत बस एक है ठीक है ना, कि एक दिक्कत तो है देखो बीच बीच में ना वीट यहाँ पे हो जाते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ी सी बीच से बाउंड्री बड़ी करनी पड़ेगी। उसके अलावा ना मेरे को क्या करना पड़ेगा गाइज की यहाँ पे वापस से ना उगाने के लिए गाइज मेरे को वापस से खुद को उगाना पड़ेगा ठीक है ना, वो थोड़ी सी दिक्कत मेरे को लग रही है अभी। एंड गाइज शायद अभी काफी टाइम हो चुका है, अभी सारा का सारा वीट आ जाने चाहिए। देखो 48 वीट इसमें है, 55 64 इसमें है, एंड इसमें कितना, इसमें 64 16 है, एंड इस वाले में 64 21 है गाइज, बहुत ज्यादा वीट आ चुका है 64 14, एंड इस साइड 64 8, 500 के करीब वीट अपने को एक बार में मिलता है ठीक है। इतना बड़ा फार्म मैंने बना दिया है, अभी बस जोर आएगा ना वो आएगा वापस वीट सीड्स को लगाने के लिए भाई, बहुत जोर आने वाला है ठीक है इस चीज में। अभी एक काम करता हूँ मैं ठेट वापस से लगाना चालू करता हूँ ठीक है। तो बस ब्रो यही कुछ आज के वीडियो के लिए था ठीक है। फाइनली अपना जियांट वीट फार्म बनकर तैयार हो चुका है ओके, एंड अब अपने कोई कमी नहीं रहेगी खाने के लिए भी, एंड गाइस ट्रेडिंग के लिए भी बहुत एमराल्ड आ जाएगा अपने पास में ठीक है। एंड लास्ट में तुम लोगों को वापस याद दिला देता हूं गाइस कि मेरे ना तीसरे चैनल जो मैंने हाल ही में नया बनाया उसको जाकर सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत जल्द उसके ऊपर आएगा सेटअप 2 ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, जाकर सब्सक्राइब करो ब्रो, मजा आ जाएगा, देखते हैं कितने सब्सक्राइबर अपन हिट कर पाता है ठीक है। सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आएंगे, लाइक अभी सेटअप 2 आएगा, देन Q&A के वीडियोस आएंगे, और भी काफी चीजें हैं ठीक है ना, फ्री में GTA माइनक्राफ्ट कैसे डाउनलोड करें, बहुत चीजें आने वाली है ठीक है। तुम जाके सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन का लिंक दे रखा है। खत्म करते हैं इसको, #GameOver।